नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण के चुनाव आज, हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद हो रहे चुनाव। त्योहारों से पहले 48 रुपए महंगा हुआ एलपीजी सिलेंडर। अक्टूबर के पहले दिन आम जनता को बड़ा झटका। नए रेट पूरे देश में लागू। पंजाब भर में बंद रहेंगी कुछ दुकानें, दुकानदारों के लिए आदेश जारी। 3 अक्टूबर को प्रदेश में सरकारी छुट्टी। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में आज आखिरी चरण के चुनाव हो रहे हैं। इस संबंध में उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि बारामूला वो जिला है जहां कुछ दिन पहले ही मुठभेड़ हुई थी जिसमें 2 आतंकी मार गिराए गए थे। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं और इस दौरान 2 चरण हो चुके हैं और आज तीसरा चरण हो रहा है। तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। वोटर वोट डालने मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। वे प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज 1 अक्टूबर को तीसरे चरण में 40 सीटों पर मतदान हो रहा है। जम्मू संभाग की 24 सीटों पर और उत्तर कश्मीर घाटी की 16 सीटों के मतदान अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे दौर के बाद अब तीसरे दौर में कुल 415 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है और इसके साथ ही सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया सम्पन्न हो जाएगी। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। आज जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को तीसरे चरण में 40 सीटों पर मतदान हो रहा है। आज 415 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। इस बीच चुनावों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया कि आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में तीसरे और आखिरी दौर की वोटिंग है। मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि वे आगे आएं और लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए अपना वोट डालें। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि पहली बार वोट देने जा रहे युवा साथियों के साथ साथ महिला शक्ति भी बड़ी संख्या में मतदान में हिस्सा लेंगी। पीएम मोदी ने सभी मतदाताओं से बढ़ चढ़कर वोट डालने का अनुरोध किया। अक्टूबर के पहले दिन आम जनता को बड़ा झटका लगा है। त्योहारों से पहले एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। 1 अक्टूबर 2024 से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 48.50 रूपए की बढ़ोतरी की गई है। ये नए रेट पूरे देश में लागू हो गए हैं और इसी के साथ दिल्ली में अब सिलेंडर की नई कीमत 1,740 हो गई है, जो पिछले महीने 1,691.50 रूपए थी। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले ग्रेन एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो आम घरों के लिए राहत की बात है। लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर खाने की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है, क्योंकि ये स्थान प्रमुख रूप से कमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं। बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री में अपनी जबरदस्त पहचान बनाने वाले दिग्गज एक्टर रजनीकांत चेन्नई के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। ये चेन्नई पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रजनीकांत को पेट में तेज दर्द होने के चलते चेन्नई के अपोलो ग्रीम्स रोड अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हेल्थ को लेकर उनकी पत्नी लता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि घबराने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। बता दें कि रजनीकांत की हेल्थ पिछले कुछ सालों में कई बार बिगड़ी है। 2016 में उनका अमेरिका में किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। एक्टर को गोली लग गई है, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि अपनी ही रिवॉल्वर से गोली लगने की वजह से एक्टर जख्मी हो गए हैं और उनके पैर में गोली लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना सुबह की है और वह घर में अपनी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे और उसी वक्त गोली चल गई और उनके पैर में चोट लग गई। पंजाब वासियों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल पंजाब सरकार द्वारा 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती के अवसर पर राज्य में ड्राई डे घोषित किया गया है। ऐसे में शराब और मीट की दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही 3 अक्टूबर को प्रदेश में सरकारी छुट्टी रहेगी। बता दें कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की भी छुट्टी होती है और वहीं स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। ये छुट्टियां अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को होंगी। बता दें कि महाराजा अग्रसेन को श्रीराम का वंशज माना जाता है और अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी शारदीय नवरात्रि के पहले दिन हर साल महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई जाती है। महाराजा अग्रसेन अग्रवाल अर्थात वैश्य समाज के जनक कहे जाते हैं।
पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग को लेकर फिर से काम पूरी तरह से बंद कर दिया है। इससे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दुष्कर्म हत्या के बाद शुरू हुई जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल 21 सितंबर को खत्म हुई थी। हालांकि उसके बावजूद ओपीडी सेवाएं बंद थी और सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही बहाल हो पाई थी। अब फिर आंदोलनरत जूनियर डॉक्टरों ने राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए अपना अनिश्चितकालीन पूर्ण काम बंद फिर से शुरू कर दिया है। उनकी मांगों में सभी चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। इसमें पहले जूनियर डॉक्टर 42 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद 21 सितंबर को आंशिक रूप से सरकारी अस्पतालों में अपनी ड्यूटी पर वापस लौटे थे। वे 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ऑन ड्यूटी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हत्या के विरोध में काम बंद आंदोलन पर थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सनसनीखेज मामला सामने आया है। लखनऊ के चिन्हट में मोबाइल देने पहुंचे डिलीवरी बॉय को 3 युवकों ने साजिश रचकर मार डाला। उसे गला दबाकर मारने के बाद 2 मोबाइल जो कुल कीमत 1,00,000 रुपए और करीब 35,000 रुपए लूट लिए गए और फिर डिलीवरी बॉय के बैग में ही उसका शव डाला और बाराबंकी के माती इलाके में जाकर इंदिरा नहर में फेंक दिया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों हिमांशु कनौजिया और आकाश को दबोच लिया है। तीसरे आरोपी गजानन की तलाश में 3 टीमें लगाई गई हैं। एसटीएफ की टीम शव बरामद करने के प्रयास में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज से भी साफ हो गया है कि भरत गजानन के घर के अंदर तो गया लेकिन बाहर नहीं आया। आरोपी कार में उसका बैग रखकर जाते नजर आए जिससे पुलिस का डर और शक पुख्ता हो गया। आरोपियों को उठाकर सख्ती से पूछताछ की जा रही है तो खुलासा हो गया। डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि एसटीएफ की टीम आज मंगलवार को भी नहर में शव की तलाश करने पहुंची। 20 सितंबर 2024 को भरत कुमार पुत्र राम मिलन निवासी निषादगंज थाना महानगर जो एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय का कार्य करते हैं इनकी गुमशुदगी इनके भाई द्वारा थाना चिरहट पर दर्ज कराई गई थी। पुलिस द्वारा गुमशुदगी की जांच में कुछ तथ्य संज्ञान में आए थे। सीसीटीवी फुटेजेस और सर्विलांस डाटा से प्रथम दृष्टया इनके साथ कुछ अनहोनी होने की घटना संज्ञान में आ रही थी। इस घटना का संज्ञान लेते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना चिरहट द्वारा इस पर जांच पड़ताल शुरू करी गई। अभी पूछताछ पे एक व्यक्ति जिसका नाम आकाश है इसको हिरासत में लिया गया है। पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया है कि प्रथम दृष्टया भरत कुमार की इनके और इनके एक साथी गजानन द्वारा हत्या कर दी गई है और शव को नहर में फेंक दिया है। पुलिस द्वारा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम द्वारा लगातार शव को रेस्क्यू करने का प्रयास जारी है। भरत कुमार को परिजनों को सूचित कर दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए शारदीय नवरात्रि के पहले दिन 3 अक्टूबर को अपने महत्वाकांक्षी मिशन शक्ति कार्यक्रम के 5वें चरण की शुरुआत करेगी। इसके लिए महिलाओं के लिए एक समर्पित स्वास्थ्य हेल्पलाइन महिला स्वास्थ्य लाइन शुरू की जाएगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि स्वास्थ्य लाइन महिला पावर लाइन 1090 पहल की तर्ज पर होगी और इसका उद्देश्य उन महिलाओं को सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है जो अक्सर सामाजिक चुनौतियों के कारण स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने में बाधाओं का सामना करती हैं। बयान के अनुसार इस हेल्पलाइन के जरिए महिलाओं को स्त्री रोग विशेषज्ञों के साथ टेली परामर्श की सुविधा दी जाएगी जिसके साथ ग्रामीण महिलाओं को दूरी के अस्पताल या क्लिनिकों के चक्कर लगाने से छुटकारा मिल जाएगा। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।